हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 में पूछे जाने वाले सीडीपी की सुपर 30 क्लास। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सीटेट एग्जाम के परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना है जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोग आसानी से देख सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दोस्तों इस क्लास को आप लोग मॉक टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। इस समय टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग जो है कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए और अपना टाइम मैनेजमेंट सही कीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा तो आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए, यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। बी, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सी, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। डी, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। तो देखिए क्वेश्चन में विकास की विशेषताओं के बारे में बोला गया है कि विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है, बिल्कुल गलत। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, ये भी बिल्कुल गलत बात है, इसकी शुरुआत जन्म होने के बाद नहीं होती है। अब यहाँ पर डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे का जो विकास होता है वो गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से पहाड़ का उदाहरण कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए, बारंबार अभ्यास। बी, नकारात्मक पुनर्भरलन। सी, उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंधन। डी, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। आधा हल किया हुआ उदाहरण देना पाड़ का मतलब कि स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। स्कैफोल्डिंग वह शब्द है जिसे वाइगोत्स्की ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित किया था कि यह शिक्षकों, परिवार, मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनकी शिक्षा में दी जाने वाली अस्थायी सहायता है। पाड़ उस तकनीक को संदर्भित करता है जो बच्चों की योग्यता को बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में समर्थन का सही प्रकार प्रदान करता है। पाड़ को मचान एवं आधारभूत सहायता के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। आपके ऑप्शन है ए, निष्क्रिय नकल के माध्यम से। बी, सक्रिय अन्वेषण द्वारा। सी, अनुकूलन के माध्यम से। डी, पुरस्कार और दंड द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अन्वेषण द्वारा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय अन्वेषण के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। आपके ऑप्शन है ए, मनोगतिकी। बी, व्यवहारवादी। सी, सूचना का प्रसंस्करण। डी, सामाजिक सांस्कृतिक। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की की। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में यह बताया था कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। आपके ऑप्शन है कम से कम। बी, पूर्ण। सी, उच्च। डी, मध्यम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च।
बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, आपके ऑप्शन है ए अभिभावकों की भागीदारी, बी क्षमता संवर्धन, सी संवेदनशील बनाना, डी पृथक्करण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पृथक्करण। सफल समावेशन को इन सभी की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। पृथक्करण की आवश्यकता सफल समावेशन में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? आपके ऑप्शन है ए संवेदी चालक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी अमूर्त संक्रियात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण में विकसित होते हैं। इसे पियाजे की अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। अमूर्त का अर्थ होता है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि। अर्थात कोई बालक किसी के मरने की खबर सुनता है तो वह भी जो है कि दुखी हो जाता है। इसे ही हम लोग अमूर्त चिंतन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट कथन और कारण का क्वेश्चन है। इस समय सीटेट एग्जाम में कथन और कारण के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए कथन और कारण के क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है कि कथन और कारण के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी लेने से हतोत्साहित करना चाहिए। इसका कारण क्या बता रहा है कि इसका कारण बोल रहा है कि लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। आपके ऑप्शन है ए दोनों सही है, बी ए सही है आर गलत है, सी ए गलत है आर सही है, डी दोनों गलत है। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी लेने से हतोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की अपेक्षाएं लिंग के आधार पर नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों के दृष्टिकोण भी गणित व विज्ञान में लड़कियों की भागीदारी में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अतः कथन ए असत्य है। इसी प्रकार लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, यह तर्क आर भी असत्य है। मतलब कि कथन ए भी गलत है और कारण आर भी गलत है, क्योंकि लड़कियों और लड़कों दोनों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? आपके ऑप्शन है ए सहयोगात्मक अधिगम, बी प्राकरण व नामीकरण, सी उपयुक्त समावेशन, डी विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकरण व नामीकरण। प्राकरण व नामीकरण विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? क्वेश्चन निगेटिव में है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके ऑप्शन है ए बच्चों के तैयारी के स्तर का पता लगाने, बी बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करने, सी बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने, डी यह समझने में मदद करने के लिए बच्चा क्या कर सकता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से कभी भी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है?
आपके ऑप्शन है ए बाह्य कारक, बी विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, सी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक, बी वंशानुगत, सी मानसिक, डी शारीरिक। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में सबसे ज्यादा सामाजिक विकास पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, बी सही विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, सी शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 14, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? आपके ऑप्शन है ए एक दूसरे के विरोधी हैं, बी एक दूसरे के समान हैं, सी एक दूसरे के पूरक हैं, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बाल विकास का सही क्रम है? आपके ऑप्शन है ए प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, बी पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बालक विकास का सही क्रम होता है, पहले बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। क्वेश्चन नंबर 16, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है ए स्नायुमंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्नायुमंडल, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आपके ऑप्शन है ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? आपके ऑप्शन है ए बाल्यावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी उपरोक्त सभी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि सभी अवस्थाओं, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 20, बाल्यावस्था होती है। आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। आपके ऑप्शन है ए संवेगात्मक समस्याएं, बी शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, सी समायोजन की समस्याएं, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, ये तीनों समस्याएं जो होती हैं वो किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू हो जाता है ये आप लोग को बताना है। आपके ऑप्शन है ए बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्व अवस्था से, सी शैशवावस्था से, डी पूर्व बाल्यावस्था से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रसव पूर्व अवस्था से। बालक का जो विकास होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, परिपक्वता का संबंध है। आपके ऑप्शन है ए विकास से, बी वृद्धि से, सी सृजनात्मक से, डी रुचि से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है ए तत्परता का नियम, बी एकता का नियम, सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 25, विकास कैसा परिवर्तन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके ऑप्शन है ए गुणात्मक, बी रचनात्मक, सी गणनात्मक, डी नकारात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक। विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। बच्चों में विकास का जो सोचने का जो क्षमता होता है वो अलग होता है और जो बड़ों में होता है वो अलग होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े जितना सोचते हैं उतना बच्चे नहीं सोचते हैं, बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, लेकिन इनका सोचने का तरीका अलग होता है और बड़ों का सोचने का तरीका अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास का सिद्धांत कहता है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। आपके ऑप्शन है ए 10 से 15 वर्ष, बी 15 से 20 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष, डी 5 से 10 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 वर्ष। 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मनोविज्ञान सामान्यतया मानव ... से संबंधित होता है। मनोविज्ञान सामान्यतया मानव से कैसे संबंधित होता है ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए भावनाओं, बी विचारों, सी आचरण, डी ये सभी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मनोविज्ञान सामान्यतया मानव भावनाओं, विचारों, आचरण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए बेहतर, बी संतोषजनक, सी और सार्थक, डी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के या की का विकास करना। आपके ऑप्शन है ए ज्ञान, बी शरीर, सी व्यक्तित्व, डी बुद्धिमत्ता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। तो दोस्तों ये थी आज की सीटेट की CDP की सुपर 30 क्लास। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।